पिछले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 11 तक पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि आईक्यू स्तर क्या होता है? और इसका सही उत्तर है 91 से 110 तक। प्रश्न नंबर 13। लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान थे। और इसका सही उत्तर है ब्रेवर। प्रश्न नंबर 14। शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है। और इसका सही उत्तर है बाल विकास के ज्ञान में। प्रश्न नंबर 15। शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है। और इसका सही उत्तर है सहानुभूति द्वारा। प्रश्न नंबर 16। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया है? और इसका सही उत्तर है लेविन व फ्रायड ने। प्रश्न नंबर 17। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 18। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं? और इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 19। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 20। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वंशानुक्रम व वातावरण। प्रश्न नंबर 21। कम गति से सीखने वाले बच्चे के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 22। शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छात्र को। प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 25 और 26 का आंसर मैं अभी नहीं बता रही हूँ, ये आपको खुद ढूँढने हैं। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर आपको बताऊँगी। आप अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।